जोधपुर की मेहमान नवाजी की बातें सुनी थी, बट सब मिथ्या है भाई। मतलब लोगों को सेंसेस ही नहीं है बात करने के, चाहे दुकान वाला हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, सबके यही कीवर्ड होते हैं, जाओ यहाँ से। हमारे बलवीर बना गुड मॉर्निंग डॉग। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज मेहरानगढ़ फोर्ट। उसी तरह ये होता था कभी कि ब्लू सिटी है, बट अब देखें तो सारे मकान लगभग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग। इट्स डे टू इन जोधपुर। तो भैया लोग, कल की रात बहुत मस्त रही, हम लोगों ने बहुत मजे किए, और यहाँ मेरे साथ नरेश भाई थे, मेरे रूम पार्टनर, और सरफराज भाई थे। हालांकि नरेश भाई की कल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तबीयत खराब, तो हमने इनको संभालने के बाद में इनका कोई योगा काम नहीं आया। खैर, तो ये हमारा कल का स्टे था। हम लोग रुके थे यहाँ पे कल, जोधपुर वाले दोस्तों ने बहुत अच्छी पार्टी दी, पार्टी की ग्लिम्सेस बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेंगे। ये हमारा रूम था जो कि अभी अस्त व्यस्त हो चुका है, यहाँ पे फुल नॉन बच्चोदी चालू है। तो ये रूम था, अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। तो चलो भैया, राइड बैक करते हैं घर के लिए। थैंक यू सो मच गौरव भाई, मैं भी आ गया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे को लेकर के एक यूट्यूब चैनल अपन खोलने जा रहे हैं, और धमाका होगा, धमाका करेंगे हम लोग। हमारे पुराने एक्सपीरियंस राइडिंग के, हमारे आने वाले एक्सपीरियंस सभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, बहुत मजा आने वाला। थैंक यू सो मच। देखो ये आदमी मजा देने में भरपूर है, राइडिंग कम्युनिटी को तो वैसे ही बहुत भरपूर मसाला दे रखा है। जब भी मिलते हैं फुल बकचोदी होती है। जब ये बनाएंगे अपना YouTube चैनल, वहां आपको मिलेंगे इनके विचित्र कारनामे, गुलीवर की विचित्र यात्राओं के साथ में। क्यों? बिल्कुल गुलीवर की विचित्र यात्राएं, नए नए तूफानी कारनामों के साथ। समझ रहे हो ना, ये करेंगे अपनी जर्नी को स्टार्ट। हाँ, करना चाहता हूँ जर्नी को स्टार्ट। बहुत लोग बोलते ही है ना, आज तक कर नहीं पाया, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था कैमरा के साथ में, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गौरव भाई के साथ रह करके लगता है कि करना चाहिए, और अब जरूर करूंगा। आप सबका साथ भी चाहिए, और बहुत वाकई में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है वो शेयर करूंगा। तो गाइस, यहाँ से हम विदा ले रहे हैं क्लब हाउस से। ये रख लिया सरफराज भाई ने अपना सामान, तो यहाँ तो सिर्फ दो ही जने आ पाएंगे। लो, तो ये प्रॉपर्टी है जी, उम्मीद क्लब, जहाँ के सेक्रेटरी हैं बलवीर बना। ये कॉटेजेस बने हुए सारे इसी तरह के कॉटेज सामने थे जहाँ पे हम रुके थे, और ये पूरा एक गोल्फ कोर्स और टेनिस क्लब बना हुआ है यहाँ पे। ये आ गए हमारे बलवीर बना गुड मॉर्निंग डॉग। गुड मॉर्निंग सर। उस गौशाला से जस्ट पहले, 1 किलोमीटर पहले राइट में बाईपास है। ओके। उस बाईपास पे टर्न करोगे, फिर तीसरा ब्रिज है और नीचे से, नीचे से राइट, तो फिर वो वापस उस रोड पे है, वहाँ पे फरडोद आएगा। अगर आप कुचामन के थ्रू वो जा रहे हो तो फरडोद से फिर राइट टर्न है। ठीक है, वो हो जाएगा। हुकुम, थैंक यू सो मच। तो नाइस ऑफ यू, आ जाओ। बिल्कुल हुकुम। शेखर भाई को साथ लिया ना। हेलमेट। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं वापस जयपुर के लिए, और बलवीर बना ने होस्ट किया और बहुत बढ़िया सी ऑफ हमें दिया। ये था उम्मीद क्लब जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी बैठ गए आराम से। बैग में ही रह गया यार। ठीक है, चले हुकुम, बाय बाय, लव यू। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए, और ये रास्ता है जो कि हमें मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए लेकर जाएगा। जोधपुर हालांकि इतना बड़ा नहीं है, छोटा शहर है, बट डेवलप्ड है। जयपुर की तरह यहाँ जोधपुर में भी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल लोग जी रहे हैं, तो इस हिसाब से कह सकते हैं अपन।
क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड हो चुका है मेहरानगढ़ फोर्ट, और नीचे शहर से ही चढ़ाई है मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के लिए। अलग से ही एक किला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज मेहरानगढ़ फोर्ट, और दुनिया के सबसे मजबूत किलों में इसका नाम गिना जाता है। जैसे आप कभी जयपुर में आमेर किले जाते होंगे तो आपको इस तरह का रास्ता दिखाई देता होगा पहाड़ों के थ्रू जाने वाला, उसी तरह ही यहाँ पे ये रास्ता है। वाह जी वाह, वो देखिए ऊंचाइयों पे मेहरानगढ़ फोर्ट है, और यहाँ से आपको पूरे जोधपुर शहर का विहंगम दृश्य दिख जाएगा। देख रहे हैं ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर की शान है, और इस किले को जोधपुर की ही नहीं पूरे राजस्थान की शान कहा जाता है। सामने देख रहे हैं ये लगभग 400-500 साल पुराना किला है जो आज भी खड़ा हुआ है, और जिस मजबूती के साथ ये खड़ा हुआ है उसको देख करके तो आप यही कह सकते हो कि भाई वाह। हालांकि हम अभी अंदर नहीं जा रहे क्योंकि 10 बजे ये ओपन होगा, और 10 बजे ओपन होने के बाद ही आपका नंबर आएगा, तो अभी यहाँ नहीं जाएंगे। बस मैं आपको एक व्यू यहाँ से दिखा सकता हूँ, तो व्यू देख लेते हैं, इसके बाद हम जोधपुर से निकलेंगे बाहर। अच्छा, इसकी खासियत देखिए आप, ये दुर्ग यहाँ पे है और सामने आपको दीवारें दिखाई दे रही होगी दूर तक। तो भाई लोग, हम लोग निकले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट से और जोधपुर में हैं। जोधपुर की मेहमान नवाजी की बातें सुनी थी बट सब मिथ्या है भाई, मतलब लोगों को सेंसेस ही नहीं है बात करने के, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस है लोग। चाहे दुकान वाला हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, सबके यही कीवर्ड होते हैं जाओ यहाँ से। वो कोई कह रहा है लठ बजा दूंगा, कोई कह रहा है भागो यहाँ से। वाह भाई वाह, एक हमारे वो पलक पावड़े बिछाने वाले लोग जिन्होंने हमारा ऐसा वेलकम किया है कि हम लोग मेस्मराइज रह गए, और एक ऐसे लोग भी हैं खड़े जालना चाहिए। यह है तूर जी का झालरा जिसका निर्माण हुआ है 1740 ईस्वी में, तो ये सीढ़ियाँ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जैसे चांद बावड़ी स्टेप वॉल है उसी तरह से एक स्टेप वॉल है, देखिए तूर जी का झालरा, और अंदर देखिए कितनी खूबसूरत फिशेस आप लोगों को दिख रही होंगी जो कि हजारों की तादाद में है। चलो एक बार क्विक व्यू देखते हैं। ये देखिए, ये सारे जितने भी आपको दिख रही है ये स्टेप वॉल्स हैं जिसके थ्रू आप नीचे जा सकते हैं, और ये बैठने के लिए एरिया बनाया गया था उस टाइम पे। बेसिकली जितनी भी बावड़ियाँ हैं उनका काम सिर्फ एक ही होता था, जब बारिश का पानी है उनको स्टोर करके रखना ताकि वो आने वाले टाइम में पीने के काम आ सके। देखो ये पुरानी गलियाँ हैं, और यहाँ पे पुरानी हवेलियों को कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया गया है, छोटे छोटे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वो जो ब्लू कलर दिख रहे हैं ना इसी के लिए हम आए हैं। आगे जाकर के हमें ब्लू स्ट्रीट देखने को मिलेगी जहाँ पे सारे मकानों का रंग नीला होगा। चलो तो जी, ये ओल्ड सिटी है और हम देखने आए थे यहाँ पे ब्लू सिटी, बट यहाँ लगभग ख़त्म हो चुका है ये कल्चर। जैसे कि पिंक सिटी में था कि पिंक कलर के घर होते थे, उसी तरह ये होता था कभी कि ब्लू सिटी है, बट अब देखें तो सारे मकान लगभग चेंज हो गए हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। तो जी हम हैं जोधपुर में, और जोधपुर की फेमस है मावा कचौरी, और मावा कचौरी भी फेमस है जनता स्वीट्स की। तो हम हैं जनता रेस्टोरेंट में, ये जनता रेस्टोरेंट है और ये है मावा कचौरी। और इस मावा कचौरी की जो खासियत है वो ये है कि इसमें चाशनी अलग कचौरी है, और ज़्यादातर पैकिंग ये है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है। तो हम अभी जयपुर लेके जा रहे हैं, भैया सामने पैकिंग कर रहे हैं मावा कचौरी, और ये 10-15 दिन तो कहीं ख़राब नहीं होती भाई। राज भैया फ्यूल भरवा रहे हैं। ये कैमरा है, कैमरा
तो भाई लोग हम लोग आप रूट चेंज कर रहे हैं, रूट चेंज करके अब हम जा रहे हैं, पहले हम आए थे पाली वाले रास्ते से, इस बार हमने कहा कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, रोड भी अच्छी मिल जाएगी, तो हम जा रहे हैं नागौर होते हुए, जो कि हमें लेकर जाएगा नागौर सीकर और फिर हम पहुंचेंगे जयपुर। हालांकि ये 100 किलोमीटर हमें एडिशनल पड़ेगा, बट कोई वादे नहीं है क्योंकि रोड अच्छी मिलेगी प्लस ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो जी यह है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का और ये बहुत बड़ा विद्यालय है, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ जानते होंगे। और ये रास्ता सीधे हमें लेकर जा रहा है अब नागौर के लिए, ये है मंडोर स्टेशन और जस्ट इस पहाड़ी के पीछे है मेहरानगढ़ किला। हो गई है लूज और वो टाइट कराना ज़रूरी था तो टाइट करा रहे हैं। ये तो खैर हर बार का है, हो गया भाई जी। यहाँ पे भरा पड़ा है गड्ढे में पानी और हम रखेंगे हमारी गाड़ी को पीछे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से निकल लेते हैं भाई।